बैठ जाओ। तो नमस्कार विद्यार्थियों, आशा है वीडियो रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो गया है और एकदम आवाज़ क्लियर आ रहा होगा आप लोगों को, और तुम लोगों को तो आवाज़ क्लियर ये रहा होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का स्टोरी जानने वाले हैं वापस से। जैसा कि तुम लोग बोर्ड पर देख सकते हो लिखा हुआ, इंग्लिश क्लास 12 का है, अ चाइल्ड इज बॉर्न 7 नंबर चैप्टर है, 7वां नंबर चैप्टर है भाई, बाय जर्मन ग्रेयर के द्वारा लिखा गया है। जर्मन ग्रेयर कहा जाता है इनको, एक लेडी राइटर है बहुत अच्छी। हम लोग के लाइफ में अभी तक हम लोग जितना भी चैप्टर देखते आए, चाहे आप देखे हम लोग देखे, जितना भी चैप्टर हम लोग पढ़ते आए, मोबाइल बंद कर दो न, चलो। तो अपने लाइफ में हम लोग जितना भी बुक पढ़े हैं, मोस्ट ऑफ द राइटर्स हम लोग ये पाए हैं कि इतने समय में जन्म लिया या मर गए, फिर जन्म लिया मर गए। क्लास 12 में एक सौभाग्य है आप लोग के लिए और हमारे लिए भी कि आज हम एक ऐसे राइटर के लिखे गए वर्क के बारे में बात करेंगे जो सौभाग्यपूर्ण रूप से अभी भी धरती पर जीवित हैं, ठीक है। और इनका नाम यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जर्मन ग्रेयर, 29 जनवरी 1939 को जिनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छी बात है। एक रस्किन बॉन्ड साहब हैं हमारे, वो भी अभी जीवित हैं, अभी मरे नहीं हैं, वो 98 के शायद हो चुके हैं लेकिन अभी तक नॉट आउट है ना। तो मान सकते हैं कि हम लोग का ये सौभाग्य है भाई कि हम लोग का मतलब आज हम लोग एक जीवित राइटर के लिखे गए वर्क के बारे में हम लोग देखने वाले। एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा और हवा का तो प्रॉब्लम है ही था इतना देर से। अब आई थिंक सो थोड़ा थोड़ा लाइट भी आप लोग को क्लियर हुआ होगा, गर्मी लग रहा था, पर्दा हटा दिए, हवा आ रहा है, आहा मज़ा आ रहा है ना। इन्हीं के बारे में आज जानने वाले हैं। चैप्टर का नाम बताने से पहले या चैप्टर के बारे में, राइटर के बारे में बताने से पहले एक तो पिक्चर यहाँ पर बना हुआ है, क्लियरली दिख रहा होगा कि ना दिख रहा होगा आप लोग को पता नहीं, हम जानबूझ के इस तरह का ग्रीन कलर के बोर्ड पर ग्रीन कलर का मार्कर मतलब चौक यूज करके हम बनाए भी है, ठीक है। उतना अच्छा ड्राइंग नहीं आता है बनाने, लेकिन जो भी बनाए हैं इसको आप लोग एक बार देखिए, तुम ही लोग देखो, और देखने के बाद खुद के मन में एक इमेजिनेशन बनाइए कि आखिर मैंने ये पिक्चर क्यों बनाया है। यहाँ लिखा है इट इज़ नॉट अबाउट द वे, यह सिर्फ रास्ता नहीं है, तरीका नहीं है। उसके बाद मैंने लिखा है आई एम अबाउट टू कम, मैं आने वाला हूँ, और उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है व्हाट टू डू। आज हम लोग जानने वाले हैं, शायद कुछ ऐसा हो सकता है, अगर आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट सेंटिमेंटल हैं तो मे भी आपके आंखों में आंसू आ जाए, और अगर आप सेंटिमेंटल नहीं हैं तो वो आप शायद आप सेंटिमेंटल हो जाओ, ठीक है। बहुत अच्छा कहानी आज हम लोग देखने वाले हैं, और राइटर भी उसी तरह की हैं जो मतलब एक जिनकी लिखे गए कलाकृतियों को देखने के बाद अच्छे अच्छे लोगों मतलब का पसीना छूट जाता है। क्रिटिक्स का बात अगर किया जाए तो बहुत सारे क्रिटिक्स इनको छुए तक नहीं है, इनके वर्क्स को देखे तक नहीं है कि हम इसके मतलब वर्क से ऊपर जा करके कुछ क्रिटिसिज्म करें, क्योंकि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसके ऊपर निंदा नहीं की जाती है ना, जिसकी बुराई अवहेलना की ही नहीं जा सकती है। तो यहाँ पर जर्मन ग्रेयर का एक वर्क है जो कि यहाँ दिया हुआ है, ए चाइल्ड इज बॉर्न, वो भी अनिंदाजनक है, जिसकी निंदा नहीं की जा सकती है या जिसके ऊपर कोई कटाक्ष कर पाए, अनसटायरेबल है, इसके ऊपर ना सटायर किया जा सकता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता है। बात करें एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि नहीं, तो भैया ये हम नहीं कह सकते हैं कि एग्जामिनेशन में 100% इससे क्वेश्चन आवे करेगा या 100% क्वेश्चन नहीं आएगा। चैप्टर दिया हुआ है हम लोग को पढ़ने के लिए, और लिटरेचर का कोई भी पार्ट हम लोग अगर पढ़ रहे हैं तो ये समझ के तो कभी नहीं पढ़ना चाहिए कि इससे कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा तब इसको पढ़ेंगे, या कितना नंबर का क्वेश्चन ना आएगा तब ना पढ़ेंगे इसको। हर चैप्टर को दिया हुआ है आपके मनावलोकन के लिए, आपके दिमाग के विकास के लिए, जितना पढ़िएगा उसी तरह का आपका दिमाग आगे बढ़ेगा, है ना। ये कहते हैं कि संगत से गुण आजात है, संगत से गुण आवत है। तो आप जिस चीज के साथ हैं, जिस चीज के साथ रह रहे हैं, जो चीज ज्यादा देख रहे हैं, जो चीज ज्यादा यूज कर रहे हैं, आप में उसी चीज की क्वालिटी आने लग जाती है, रेदर देन दैट ऑफ द थिंग्स विच यू आर नॉट अडॉप्टिंग और विथ यू आर नॉट लिविंग। जिसके साथ आप नहीं रह रहे हैं या जिसके साथ आप जिस चीज को नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं वो आपके जीवन में आएगा ही नहीं, है ना। बहुत मजेदार कहानी है ये, और ये जो कहानी है बेसिकली एक बुक से लिया गया पार्ट है, अडॉप्टेड स्टोरी है ये।
बात करते हैं हमारे राइटर साहब जर्मन ग्रेयर के बारे में, ग्रियर के बारे में, जिनका जन्म हुआ था 29 जनवरी 1939 में, 19 जनवरी 1939 में इनका जन्म हुआ। एजुकेशन की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न और यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से इनकी एजुकेशन जो है कंप्लीट हुई। इसके बाद बुक्स की बात करें, कौन कौन से बुक्स इन्होंने लिखा है, तो एक फीमेल होने के नाते, एक लेडी होने के नाते, इन्होंने लेडीज के बारे में ज्यादा लिखने की कोशिश की है, उनके दुख दर्द तकलीफ को बतलाने के बारे में ज्यादा कोशिश की है, ठीक है। इसके बाद बात करें बुक्स के बारे में, तो इन्होंने लिखा है द फीमेल यूनुक, उसके बाद उन्होंने लिखा है द होल वुमन, उसके बाद इन्होंने लिखा है द ऑब्स्टेकल रेस, और लास्ट में इन्होंने लिखा है सेक्स एंड डेस्टिनी। और यही सेक्स एंड डेस्टिनी का एक छोटा सा टूटा हुआ पार्ट यहां पर उन्होंने हम लोग को दिया है, जिसका नाम है अ चाइल्ड इज बॉर्न, इट इज अ स्टोरी। नाउ व्हाट अबाउट द चाइल्ड इज बॉर्न, पूरा का पूरा कहानी में हम लोग क्या पाते हैं, हम लोग पूरे कहानी में जानेंगे कि कैसा लगता है एक माँ को जब वह एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। दूसरा, क्या ट्रीट किया जाता है उस माँ के साथ, या किस तरह का विचार रखा जाता है, लोगों का किस तरह का विचार होता है उस माँ के प्रति जो कोई बच्चे को देने वाली हो। और क्या आज का जो हम लोग का जो टेक्नोलॉजी है, जो हम लोग का साइंस सिस्टम है, जो हम लोग का मेडिकल साइंस है, क्या पुराने समय से बहुत ज्यादा अच्छा है। पहले के जमाने में क्या होता था कि जब लोग जन्म लेते थे तो हॉस्पिटल तो था नहीं, तो बिना हॉस्पिटल हुए भी जन्म ले रहे थे, और इतनी बड़ी जनसंख्या ऐसे ही नहीं बनी हुई है क्या जी, तो बिना हॉस्पिटल के भी जन्म ले रहे थे, और अभी हॉस्पिटल आ गया है। रेदर देन देखा यह जाता है कि जब हॉस्पिटल नहीं था तब ज्यादा बर्थ सक्सेस माना जाता था, मुकाबले की अभी जैसा चल रहा है। हम इंडियन या वर्ल्ड के मेडिकल साइंस को हम गाली नहीं दे रहे हैं, या राइटर साहब उनको गाली नहीं दे रहे हैं, बस बताना चाह रहे हैं कि द थिंग द मिटिकुलस डिसीजंस दैट वी टुक ऑन दोज डेज आर नॉट गोइंग टू बी टेकन दीज डेज। पुराने समय में हम लोग बहुत ही मिटिकुलस डिसीजंस लिया करते थे किसी भी समय में, या किसी भी प्रेगनेंसी के टाइम में। आज वो चीज धीरे धीरे क्या होता चला गया है, हटता चला गया है, तो एक तरह से सटायर भी है नहीं जी। पुराने समय में क्या होता था कि जब माएँ प्रेग्नेंट हो जाती थी, मतलब लेडीज जब प्रेग्नेंट होती थी, तो घर के अगल बगल वाले या गांव के इधर उधर वाले बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते थे, लेडीज़ में बहुत सारी बूढ़ी ओल्ड एज की लेडीज आ जाती थी, अंकल आते थे और बुजुर्ग लोग अपना तजुर्बा बताते थे कि ऐसा है वैसा है, इस तरह का खाना खिलाओ उस तरह का खिलाओ। और जब तक बच्चे का प्रेग्नेंट, मतलब जब तक बच्चे का डिलीवरी हो नहीं जाता था, तब तक वे लोग जाते नहीं थे, है ना। और इवन अगर नहीं आ पाते थे किसी कारणवश, तो हर बार पूछते रहते थे किसी ना किसी रूप में पूछते रहते थे। अगर एक घर में बच्चा पैदा होना रहता था तो 5 गांव 10 गांव पता चल जाता था। लेकिन पता नहीं, ये जो कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड आज बनता जा रहा है, ये जो हम लोग ग्लोबलाइजेशन के दुनिया में जा रहे हैं, एक कमी हम लोग में ये आ चुकी है कि आजकल एक घर में पैदा लेता है ना, तो बगल वाला घरवा तक में नहीं पता चल पाता है। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई है। सोच लो पहले कहाँ होता था, अब क्या होता है। तो पहले के लोग में उस तरह की भावनाएं होती थी, पहले के लोग जो होते थे उतना सेंटिमेंटल हुआ करते थे, अब धीरे 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 सेंटिमेंट का दुनिया में कोई जगह नहीं है, धीरे धीरे सेंटिमेंट खत्म होता जा रहा है। अगर आप लोग भी ऐसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ सर एकदम सही बोल रहे हैं, है ना, जो भी बात बोल रहे हैं एकदम एनसीईआरटी के लेवल पर बोल रहे हैं। और एनसीईआरटी हम पिछले क्लास में ही बोले थे कि जो भी कर देती है, कैसे देती है, फिल्टर करके देती है ना। और इस स्टोरी में जो लिया गया है वो तो 100% फिल्टरेट है ही आप लोग के लिए। स्टोरी के बारे में अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन से यहाँ स्टोरी स्टार्ट होता है, और उसके बाद हम लोग पूरे कहानी को वन बाय वन, लेटर बाय लेटर, इवन वर्ड बाय वर्ड, मतलब डिसिप्लिन में देखते चलेंगे, ठीक है, उसका डिस्क्लोजर करते चलेंगे। वर्क इन अ स्मॉल ग्रुप एंड डिस्कस द फॉलोइंग, वेयर डू द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली गो फॉर चाइल्ड बर्थ। हम लोग के जो पेरेंट्स हैं, या आपके जो पेरेंट्स हैं, या आपके जो फैमिली हैं, अगर चाइल्ड बर्थ होने वाला रहता है तो कहाँ जाते हैं, एकदम हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक है। पहले के ज़माने में ऐसा हॉस्पिटल तो था नहीं, तो पहले के ज़माने में लोग कहाँ जाते थे, मतलब अपने ही घर में रहते थे, और दूसरा लोग यहाँ आ जाते थे, या वैद्य के यहाँ जाते थे, है ना। दूसरा क्वेश्चन है, द अराइवल ऑफ न्यू बॉर्न इन द फैमिली इज सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट वेज। जब नया बच्चा आने वाला होता है, या नया बच्चा जब आता है, तो अलग अलग तरीका से सबके यहाँ उस चीज़ को मनाया जाता है, सेलिब्रेशन किया जाता है। हम लोग हैं भैया बिहार के, तो बिहार में क्या होता है, 6 दिन का बच्चा हुआ, मतलब तो 3 तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। 6 दिन में क्या होता है, छठियारी मनाया जाता है। 20 दिन में क्या होता है, बिस्तौरी मनाया जाता है।
27 दिन में क्या होता है, सताइसा मनाया जाता है। इस तरह से हम लोग, हमारे हिंदू धर्म में होता है या हमारे बिहार में होता है, आप लोग में भी अलग हो, इस्लाम में हो सके कुछ अलग होगा, लेकिन यही चीज होता है, मनाया जरूर जाता है। चाहे क्रिश्चियन का कायन है, उसमें बैप्टिज्म होता है, नामकरण संस्करण होता है, तो अलग अलग सब धर्म में अलग अलग रूप से मनाया जाता है। पहले के मुकाबले और अभी के मुकाबले ये बहुत चेंज हो चुका है, ठीक है। After now many days, after how many days such a function normally held in your family? और आपके घर में कितने दिनों के बाद ये पर्व होता था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हमारे घर में पूछेगा तो हमारे यहाँ तो तीनों चीज मना बल गया है, 6 दिन का छठियारी हुआ है, 20 दिन का बिस्तोरी हुआ है और 27 दिन का सताइसो हुआ है। कभी इस तरह का क्वेश्चन घर में आप अपनी मदर से कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि भाई हमको जन्म दी है, इस तरह का बात करना कोई बड़ी चीज नहीं हम लोग के लिए। लेकिन बिहार में पता नहीं बहुत सारे लोगों के मेंटालिटी ऐसी है कि ना बात करेंगे तो ये बात थोड़ा सा गंदा लगता है। गंदा क्यों है भाई, आपकी माँ ने आपको जन्म दिया है तो अपने जन्म के बारे में माँ से पूछने में क्या फर्क है, क्या हर्ज है? और कभी पूछो, मम्मी बड़ी खुश होकर बताएगी। कभी जाओ आशीष घर में मम्मी के पास, मम्मी बताओ कि जब हम मतलब तुम प्रेग्नेंट थी, जब हम आने वाले थे, तुमको कैसा लगता था? अब मम्मी का वहां पर जो आंसर होगा, अरे तू रे कुतवा, तू रे हरमजादा, तोरा लगे कितना हम बौखली है, तोरे पता, हमरे पता है, ऐसे मम्मी बात करी। उसके बाद जो बताना शुरू करेगी ना, जब तुम जन्म लिया, कितना नाजुक था, किस तरह से तुमको पाला गया, एक एक चीज बताएगी। हमको मम्मी बताती थी कि हम जब बच्चा में छोटे थे तो डाबर लाल तेल हमको खूब लगा है ना, कि पूरा मजबूती आया, देख रहे इतना मजबूती है, पतला है फिर भी खूब मजबूत है, समझा। और मतलब बहुत कमजोर थे बचपन में हम, तो मम्मी बताती कि बचपन में हमको सिर्फ और सिर्फ दूध और केला मिलता था खाने के लिए, और कुछ नहीं मिलता था, डॉक्टर के कहने के ऊपर या जो भी हो, बहुत सारे पर पड़ोसी के कहने के ऊपर हमको जो मिलता था। तो मम्मी बताती है कि कितना लेकर बौखती थी, है ना, या भैया कभी भैया के बारे में बात कर दिए तो स्टार्टिंग ही यहाँ से होता है, तू रे कुतवा हरमिया। देखो भाई यूट्यूब है, ज़्यादा नहीं ऊपर जा सकते हैं, नहीं तो कॉपीराइट लग जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग भी अपने घर में पूछना, चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, मम्मी से बात करने में कोई दिक्कत नहीं, कोई हर्ज नहीं है। बाबूजी तो हो नहीं रहे कि चप्पल उठा के दल देंगे, जो पढ़ गए जा करके, मम्मी है, मम्मी आराम से बताएगी। अब बिहार में की मम्मी तो इसे एकदम खुल करके बताती है इस बारे में, है ना। और ये कोई भी गंदा चीज नहीं है इस बारे में पूछना कि पूछ लिए तो बहुत ऑकवर्ड लग रहा है या ये लग रहा है। मम्मी से पूछे, मम्मी बताएगी आपको कि किस तरह, और उसको लिखने का कोशिश करिए कि इस तरह से हम हुए थे, इस तरह से हमारी उत्पत्ति हुई, जन्म हुई। पता चलेगा कि आपका क्या इंपॉर्टेंस था, समझे। जब एक बच्चा होने वाला होता है ना, तो अगल बेसिकली गाँव में यही होता है, 10 गाँव 12 गाँव तक पता चल जाता है, एकदम जैसे नए अतिथि के स्वागत का तैयारी की जाती है, 9 महीना पहले से नए अतिथि के स्वागत की तैयारी हो जाती है। तुम्हारे चचा, तुम लोग के चचा होंगे, तुम लोग के मतलब फूफा होंगे या और कोई होंगे, और तुम्हारी मम्मी को कितना डांटते होंगे पता है, जीरी मनी झूठ की सिलेंडर उठाने के लिए ऐसे होता है, हम कर गए, हमने थे जा, हमर गए थे, उठा रहे ना करके, ऐसे करके डांट दिया जाता होगा। नहीं जी, छोटा सा काम करने के लिए, झाड़ू उठाने के लिए हम नीचे तक झुकती होगी तो आपके मम्मी के जो मम्मी होंगे, दैट इज आपकी दादी, मम्मी के सास, वो भी डांटती होंगी, क्या हमने लिए बहू है, बुढ़िया मर गए यार, हमें बन ले ना, है कन्या है, इस तरह से मम्मी मतलब डांट मिलता होगा। तो एक ऐसा उम्र होता है ना 4 महीने के लिए, तो क्या होता है ना कि जो लेडीज होती है, जो माँ होती है, प्रेग्नेंट लेडीज होती है, उनको 4 महीने के लिए बच्चा ही समझा जाता है, वो अपने आप को बच्चा ही मान लेती है। एक बच्चे को जन्म देने से पहले खुद एक माँ 4 महीना के लिए बच्चा बन जाती है, ठीक है। एकदम टाइम रूटीन फॉलो करना है, जैसे बच्चा करता है स्कूल जाने के लिए, कैसे टाइम रूटीन फॉलो होता है, 7 बजे उठना है, 8 बजे तक ब्रश करना है, तैयार हो जाना है, 9 बजे स्कूल चल जाना है, वैसे ही माओं के साथ किया जाता है, 6 बजे 7 बजे 5 बजे उठना है, टहलना है, ब्रश करना है, उसके बाद फिर थोड़ा सा काम काज करना है, फिर टहलना है, फिर थोड़ा पढ़ाई वगैरह करना है, फिर मंदिर जाना है, अगर इस्लाम में है तो मस्जिद जाना है, अगर चर्च में है मतलब क्रिश्चियन में है तो कहीं ना कहीं तो जाना है। अच्छा नहीं जाते, मतलब जो भी हो, मतलब इस तरह का कार्य किया जाता है, बहुत अच्छी बात है कि घर में ही कुरान वगैरह पढ़ना है, सबका अलग अलग रूप से तरीका है। तो 4 महीना पहले से तो ऐसा हो जाता है कि एक लेडी है, एक माँ है, जिसको एक बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता है। नहीं जी, इसी के बारे में बता दिया जा रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपके घर में अगर फंक्शन मनाया जाता है तो मोहल्ला बंद करो ना जी, हाँ, तो बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन, इज इट अ रिलीजियस फंक्शन और जस्ट एन ओकेजन फॉर मैरी मेकिंग। अब बोला जा रहा है कि बहुत सारे घर में तो फंक्शन मनाया जाता है, रिलीजियस फंक्शन होता है, जैसे छठियारे, बिस्तौरी और सताइसा, और आप लोग में भी कुछ होता होगा, क्या होता है,
छठियारी ही होता है, अच्छा जो भी हो आप लोग में तो होता है, लेकिन बहुत जगह पर ऐसा होता है ना कि वो लोग बहुत ही ज्यादा फैशनेबल होते हैं, ठीक है, फ्लाइट में रहने वाले लोग, अमीर गरीब मतलब बहुत ज्यादा अमीर लोग है ना, तो वो लोग इस तरह का पर्व नहीं मनाता है, वो लोग मतलब फर्स्ट बर्थडे मनाएगा, शादी पार्टी नहीं एकदम नौता करेगा बड़का, वो मजा है ये नहीं है, जो मजा सतैसा में है, जो मजा बिस्तौरी में है, जो मजा छठियारी में, वो मजा है ये नहीं उसमें, नहीं ऐसा नहीं है, देना पड़ता है लेना पड़ता है ऐसा कुछ नहीं है, सब में लेन देन चलता है, लेकिन जो ये तीन चीजों के पर्वों में है, इन तीन नामों में है, वो कहीं ना कहीं अंग्रेज वाला मतलब उधर वाला ये लोग जो मना रहे हैं, या फ्लैट में रहने वाले अमीर लोग मना रहे हैं, फैशनेबल लोग बैप्टिज्म करके मनाएंगे, मजा नहीं है उसमें, समझ गए ना। तो राइटर साहिबा बताती हैं, चाइल्ड इज बॉर्न द स्टार्ट करते द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर मेनी एंड वेरी। जो गांव देहात में या ट्रेडिशनल तरीका जो है किसी बच्चा के स्वागत करने का, ये बहुत सारा तरीका है और वेरीड तरीका है ना, अलग अलग तरह का बहुत सारा तरीका होता है वहां पर, ठीक है। जैसे ही स्टार्टिंग होने वाला रहता है तो क्या होता है, देयर यूजफुलनेस सिस्टम्स, देयर यूजफुलनेस सिस्टम्स डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट दैट दे आर एक्सेप्टेड कल्चरली एंड कलेक्टिवली, सो दैट द मदर डज नॉट हैव फिजिक बर्डन और reinventing the procedures। अब यहां पर जानते हो क्या होता है इसमें, जब एक माँ ट्रेडिशनल तरीका बता रहे, साइंस वाला नहीं, आगे चल के साइंस को कटाच भी लेंगे, अभी ट्रेडिशनल तरीका को बता रहे, कि जब एक माँ प्रेग्नेंट होती है, जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है बच्चे को देने वाली होती है, तो क्या होता है ना, ऐसा लोगों का मान्यता है, ट्रेडिशनल मान्यता है कि उसके ऊपर जिस तरह का सोच, जिस तरह का प्रभाव डालेंगे वैसा ही बच्चा जन्म लेगा, दिन भर उसको गरियाते रहो बच्चा भी गरियंडा निकलेगा है ना, दिन भर उसको काम करवाते रहो बच्चा भी एकदम कमासूत निकलेगा, कमा करके सूझ जाएगा, ठीक है। तो जिस तरह का माहौल में माँ को रखा जाता है, प्रेग्नेंट लेडी को रखा जाता है, उसी तरह का बच्चा भी क्या होता है, जन्म लेता है। ऐसा बोला जाता है कि साइकोलॉजिकल या मेंटल इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर बताया जा रहा है कि एक लेडीज के ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं पड़े, इसलिए उसको किसी तरह का बर्डन में झगड़ा झंझट से, लड़ाई झगड़ा से, बातबरसी से है ना, किसी तरह के कन्वेंशन से, किसी तरह के मनमुटाव से दूर रखा जाता है। अच्छी अच्छी बातें की जाती है उसके पास, किसी लेडीज के पास जाकर के, बहुत सारा लेडीज के पास लोग गया, अजाने का झगड़ा कर रहा, जिसका हस्बैंड एकदम पगला हो है ना, दारू पी कर घुस गया, हर हमेशा गाली गलम कर रहा है या हल्ला कर रहा है, बदमाशी कर रहा, उसका बच्चों उसने निकलेगा है ना। अगर अब देखो फिजिकली अगर इफेक्ट किया जाए, किसी प्रेग्नेंट लेडी के साथ मारधाड़ किया जाए, ये तो एकदम गलत चीज है, बच्चा लंगड़ा हो सकता है, लुल्ला हो सकता है, कैसे पैदा ले सकता है। मेंटली अफेक्ट करेगा तो बच्चा मेंटल पागल हो सकता है, ऐसा माना जाता है। सही है कि गलत है ये तो आप लोग कमेंट में करके बताइए, मम्मी से पूछिए उसके बाद बताइए, पापा से पूछिए बताइए, पापा से नहीं पूछे पिटा जाइएगा। खैर, फिजिक बर्डन एंड रिसीविंग द प्रोसीड्योर्स, इवन दाउ पोटेंशियल कैटास्ट्रोफ्स आर अलाइव इन द मेमोरी ऑफ द कम्युनिटी एंड द इंडेक्स ऑफ एंग्जाइटी, हायर रिचुअल अप्रोच टू प्रेगनेंसी विद द थीम्स प्रेगनेंट होम अबाउट द taboos and prohibitions help make the anxiety manageable। यहां से क्या बोला जा रहा है भाई साहब, कि उनके ऊपर किसी तरह, सबसे पहले तो किसी तरह का दिया नहीं जाता है प्रेशर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके लाइफ में कैटास्ट्रोफ्स आते रहते हैं है ना। और ये फीलिंग एक जेंट्स नहीं कर सकता, एक लड़का नहीं कर सकता, और इवन लड़कियां भी नहीं कर सकती जब तक वो मां नहीं बनेगी, जब तक उनके पास उनके मतलब उनमें प्रेगनेंसी नहीं आ जाता है तब तक कैसे महसूस कर सकती है। छोटा मोटा कैटास्ट्रोफ हमेशा आता रहता है, जब से स्टार्ट होता है ना प्रेगनेंसी का पीरियड, जैसे ही स्टार्ट हुआ ना तो पूरा 9 महीना तक छोटा मोटा कैटास्ट्रोफ हमेशा आता रहता है। कभी एकाएक दर्द करने लगा, अंदर में बहुत तरह अलग अलग तरह की मतलब चेंजेज होती है, पेट के अंदर मदर बूम के अंदर बहुत सारी चेंजेज होती है। तो लेडीज के अंदर नेचर में चेंजेज आएंगी, उसके थोड़ा सा फिजिक में चेंज आएगा, उसके बॉडी में चेंज आता है उनके है ना। जैसे यहाँ पर क्या होता है, ब्रेस्ट में जो लैक्टोजिन होता है, तो लैक्टोजिन हार्मोन वहां से निकलना शुरू होता है, एक बायोलॉजिकल टर्म है। तो इससे क्या होता है, उनमें कहीं ना कहीं बहुत सारे बॉडी चेंजेज आ रहे हैं पहला, दूसरा कहीं ना कहीं उनके मतलब मदर बूम में ये चेंजेज आ रहे हैं, दूसरा उनके एटीट्यूड में चेंज आ रहा है, और तीसरा अगर किसी तरह से बच्चा कभी लात वात मार दिया तो कैटास्ट्रोफ तो आना ही है।
एकाएक पेट में दर्द आ जाना, एकाएक मिचली आ जाना, वोमिटिंग हो जाना, ये सब अलग अलग तरह का बहुत सारा मतलब हजारों हजार मतलब कैटास्ट्रोफ है जो कि 9 महीना के अंदर आता जाता रहता है। इसीलिए कभी कभी देखोगे कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, आप लोग पता नहीं आप लोग के घर में होंगे ही होंगे, भैया होंगे, भैया नहीं प्रेग्नेंट लेडा हो जाएगी नहीं, दीदी होंगी, भाभी होंगी, या कोई भी होंगे, बुआ होंगी, बुई होंगी, कोई भी होंगे, किसी तरह के अगर उस तरह के कोई परिवार होंगे और प्रेग्नेंट हुए होंगे, तो आप लोग इस चीज को गौर किए होंगे कि कभी कभी तो एकदम बच्चे की तरह रिएक्ट करते हैं वे लोग, है ना, कि आज इमली चाहिए, आज खट्टा चाहिए, आज लेमन जूस चाहिए, आज ये चाहिए, आज वो चाहिए, और कभी एकदम बड़े बड़े फिलोसफर की तरह करेंगे, है ना, बहुत बड़े बड़े तरह के फिलोसफर की तरह एकदम ज्ञान मतलब उसको क्या बोलते हैं, ज्ञान फेंकना शुरू कर देंगे। हाँ, आप लपेटो ज्ञान, तरह ज्ञान लपेटते हो, अलग अलग तरह का ऐसा इंटोनेशन होने लग जाता है लेडीज का। तो क्यों होता है, क्योंकि उनमें सबसे पहले तो थोड़ा सा मेंटल चेंजेज आता है, कैटास्ट्रोफ आते हैं, और दूसरा नंबर पर क्या आता है, साइकोलॉजिकल चेंजेस के साथ साथ फिजिकल चेंजेज आता है। अंदर में कितना सारा कुछ बीत रहा होता है वो तो उन्हीं को ना पता है। मान लिया तुमको पेट दर्द कर रहा है तो तुम्हीं को ना पता है कितना दर्द कर रहा है। हम जाकर के तुम्हारे सामने अगर हंस देता कितना बुरा लगेगा क्या। अब मान लिया तुमको अगर सिंपथी भी दे दे तभी तो तुम कुछ कर नहीं सकते हो, ना हम भी कुछ कर सकते हैं। तो एक्चुअली बात यही बताई जा रही है कि बहुत सारे अलग अलग चेंजेज आते हैं और इसके वजह से कैटास्ट्रोफ आते हैं उनके लाइफ में, और जो इनके जो एनेक्साइटी होते हैं वो अनमैनेजेबल हो जाते हैं, मेक द एनेक्साइटी मैनेजेबल, बेसिकली मैनेजेबल। तो किसी तरह से वो अपने आप में सोच लाते हैं और जो सोसाइटी के जो साथ होते हैं वहाँ पर, है ना, घर वाले जो साथ देते हैं, सोसाइटी वाले जो साथ देते हैं, उससे जो उनकी अनएग्जाइटीज है वो मैनेज हो जाती है। ये कौन फेस करेगी, वही लड़कियां फेस करेगी जो परिवार के साथ रह रही है। आजकल तो ऐसा होता नहीं ना है, आजकल शादी हुआ चलो पति देव को बोलती है चलो डेरा लेके रहेंगे, फलाने जगह पर रहेंगे, है ना, रेंट पर रहेंगे या कहीं भी रहेंगे, फ्लैट में रहेंगे, और वहां पर रहने का तो रहने लग गई। क्या उनको सपोर्ट मिला, न उनके पास सासू माँ का सपोर्ट है, न आंसू माँ का सपोर्ट है, है ना, न उनके पास घर के किसी ननद भौजाए का किसी का ही मतलब सपोर्ट है, तो कोई नहीं है। उनमें मेंटल प्रॉब्लम आएगा भी, मेंटल प्रॉब्लम जाएगा भी, कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज्यादा हद से ऊपर चला जाता है, ठीक है। उनका कभी कभी इच्छा बहुत ज्यादा कर जाता है, कभी कभी रोने लग जाती है, तो बहुत उनको मिस करती हूँ उस समय, है ना, जिस समय प्रेगनेंसी चल रहा होता है तो अपने फैमिली को बहुत मिस करती है माएँ, ठीक है। तो ये चीज फील वही करेंगी जो एक सोसाइटी में रहती है, है ना, कि एनेक्साइटी आया और जो परिवार का साथ जो रहता है वो एनेक्साइटी को दूर करता है। इवन प्रेगनेंसी के समय होता है, अब डेरा वाला में रहने वाले में तो कोई जाएगा नहीं, अभी तो कहीं जाएगा ना, हॉस्पिटल में आजकल होता है बर्थ करवाया जाता है, तो डॉक्टर साहब यहाँ जाओगे, एक नर्स मिलेगी तुमको, एक डॉक्टर मिलेगा, एक डॉक्टर का अटेंडेंट मिलेगा जिसको कंपाउंडर कहते हैं, तीन लोग तुमको देख रहे हैं। मान लिया जाए अगर कोई लड़की हो गई प्रेग्नेंट तो तीन लोग उसको देख रहे हैं, और तो कोई देखेगा नहीं। पहले के जमाना में होता था बर्थ जाता था तो 12-12 गांव से भागल भागल बूढ़ी पुरानी आ जाती थी, बूढ़ी है सब आ जाएगी, समझा, एगो कड़ुआ तेल लेके तुम्हारा पैर में ऐसे ऐसे रगड़ रही है, एगो तुम्हारा बाल सहरा रही है, है ना, एगो तुम्हारा सर पर गरम गरम कपड़ा का पट्टी या ठंडा कपड़ा का पट्टी लगा रही है, एगो हाथ सहरा रही है, एगो तुमको साथ दे रही है, एगो तुमको मोटिवेशन दे रही है ना, तो मतलब इस तरह का होता है। और हॉस्पिटल में क्या है जी, डॉक्टर यहाँ जाओगे तो डॉक्टर अलग तरह से रिएक्ट करता है, किसी को आने नहीं देता है, और जो बूढ़ी पुरानी का जो ये रहता है ना, वो डॉक्टर वो से ज्यादा रहता है कभी कभी, नहीं जो बुजुर्ग लोग रहते हैं वो बोल देते हैं ना कि हाँ 4 दिन बाद कन्हैया के आई तो रहे बुतर हुआ तो 4 दिन बाद, तो 4 दिन बाद ऐवे करता हो, वो क्लास में चली जाओ। सो दैट इज द थिंग बेसिक, ए वुमन हु ऑब्जर्व्स ऑल प्रोहिबिशंस एंड कैरीज आउट ऑल द राइट्स विल बी एक्टिवली, एक मिनट, will be actively involved in holding the unknown at bay. She will be other reinforcements of for many of the ritual observations and of pregnancy involved the participation of others who should support her, primarily her husband. क्या हो रहा है? नहीं, ब्लर हो जाते हैं तो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, थोड़ा सा लाइट वाइट फोकस कर रहा है तो टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। अब अगला जो स्टोरी का लाइन है वो हम लोग को थोड़ा और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें बता रहा है, किस चीज के बारे में, अबाउट द प्रोहिबिशंस। अब जो माओ को प्रोहिबिट किया जाता है चीजों को लेकर के, है ना, बहुत सारे लेडीज को क्या किया जाता है, जब प्रेगनेंट होती है तो उनको प्रोहिबिशन दिया जाता है,
और जो सबसे ज्यादा चिंताजनक होता है, मतलब सबसे ज्यादा चिंतित होते हैं आपके लिए, वो कौन कौन होते हैं आपके परिवार में, वो दर्शाया जा रहा है। तो सबसे ज्यादा तो लेडीज को बहुत सारा मतलब प्रोहिबिशंस दिया जाता है उनके लाइफ में कि ये ना करो, ये ना खाओ, इधर ना जाओ, उधर ना जाओ, ये ना पहनो, यहाँ ना जाओ, इससे मत बात करना, है ना। उसे अरे फलनवा के कन्हैया से नहीं बात करी, हाँ फलनवा के कन्हैया ऐसे ही से बोला, है ना। या जो बूढ़ी पुरानी आ गई, मतलब बहुत सारे हैं, सुन लेगी ना कि प्रेग्नेंट हुई है, 4 महीना बाकी है, 2 महीना बाकी है, दूर से आ जाएगी, एकदम दौड़ल दौड़ल आ जाएगी बूढ़ी पुरानी, बिना नौतवे दिले आ जाएगी, और आने के बाद बैठेगी, बैठ के समझाएगी बहू, तो बोलेगी जी सासूमा, तो जानती है उसकी जो कन्हैया थी, वो जब प्रेग्नेंट थी तो उसके साथ ये प्रॉब्लम आया था क्योंकि वो ऐसे की थी, तो तुम्हें वैसे मत करना। इस तरह से उनको सीख दिया जाता, इस तरह से उनको सिखलाया जाता है कि ऐसे नहीं करना। और बात रही सबसे ज्यादा प्रोहिबिट को लेकर के, सबसे ज्यादा कौन ये मतलब एक्टिव रहता है, तो सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं हस्बैंड, है ना, क्योंकि हस्बैंड को जो खुशी है भाई कि अरे अब तो मेरा प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है कुछ दिनों में, क्या है ना, कंपनी में काम चल गया है, प्रोडक्ट बन गया है, अब लॉन्च होने वाला है, किसी को भी अपना प्रोडक्ट के लॉन्चिंग का खुशी होगा, नॉट टेक इट सीरियसली, सीरियसली कोई नहीं लेगा इसको, फनी मैटर में लेगा। सबसे ज्यादा पिताजी इसलिए खुश होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब मेरा भी जो दुनिया में कोई ऐसा है जो हमको पापा पापा कह के बुलाएगा, कितना मजा आएगा। दो शब्द, यही तो दो शब्द है, एक माँ होता है, एक पापा होता है, यही दो चीज को तो सुनने के लिए मतलब पूरा दुनिया चल रहा है, क्या यही दो चीज सुनने के लिए ना लोग कमाता है, दमाता है, खाता है, पीता है, रहता है, अमीरी गरीबी सब चल रहा है, क्यों ये लेडी चाह रही है हमको बचपन में छोटा छोटा बच्चा होगा हमको मम्मी मम्मी बोलेगा, अजेंट चाह रहा है कि हमको पप्पा पप्पा बोलेगा, इसीलिए तो दुनिया चल रहा है। कोई बोल रहा है ना कि सक्सेस पाने के लिए है, दिस पाने के लिए है, दैट पाने के लिए, ठीक है सब चीज अपना जगह पर है, लेकिन ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये जो आपका मेंटल प्रोसेस है, और इट इज द प्रोसेस ऑफ नेचर, इट इज नॉट द प्रोसेस ऑफ फिजिक्स, इट इज द प्रोसेस ऑफ नेचर। और फिजिक्स का प्रोसेस एक बार हार सकता है, लेकिन नेचर का प्रोसेस कहीं नहीं हारता, याद रखिएगा, है ना। तो नेचर का प्रोसेस है, ये तो चलेगा ही चलेगा, जनरेशन इसी से चलता है, और अगर नहीं चलने वाला होता तो हम लोग अभी तक जिंदा भी नहीं रहते, ठीक है। पता नहीं क्यों जब इस चीज के बारे में जब बात करता है, एक प्रेग्नेंट शब्द एक ऐसा शब्द मानता है, बहुत सारा गांव देहात में बोल देगा ना अंग्रेजी में, फलनवा प्रेग्नेंट है, बहुत डांट सुनता है। एक बार मेरा छोटा भाई था, वो कुत्ता था, मतलब कुत्ता ने बिच थी, है ना, बिच बिच कुत्ती, ठीक है ना, कुत्ती बोल दिया तो कैसे मुस्कुरा रहा है, ये क्या मतलब है, शब्द नहीं है, गाली है, तो मुस्कुरा रहे हो एकदम, अजीब चीज है। तो प्रेग्नेंट थी वो, और मेरा भाई था छोटा भाई राहुल, गया जाकर के बोला कि कुत्ती का नाम था, मतलब उसका नाम था बंटी, तो बोला बंटी तुम तो प्रेग्नेंट हो गई। और उसके बाद वो इतना डांट सुना है, इतना डांट सुना है, दूध लपड़ उसको पर भी गया सामने में, है ना। हमको पता नहीं चला कि क्यों उसको दो लपड़ लोग मारा साइंस में, मतलब समाज वाला क्यों उसको उस तरह से देखा, क्यों उसको पीटा, क्या यह शब्द सही नहीं था, इज द प्रेग्नेंट वर्ड अ बेन फॉर द सोसाइटी, या क्या एक गाली है, नहीं, करते सब है, बोलते कोई नहीं है, यही दिक्कत है क्या जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, तो बहुत सारा प्रिकॉशंस दिया जाता है ना, ये मत करो, ये मत करो, वहां मत जाओ, यहां मत जाओ, ये मत खाओ, वो मत देखो, है ना। टीवी अगर मारधाड़ वाला मूवी देख रही है ना, तो हस्बैंड एकदम गुस्सा जाएंगे, हाँ यही सब देखो, बच्चा बारूद पैदा करना, ऐसे बोलेगा हस्बैंड, नहीं रामायण अगर देख रहे हैं तो पूरा दादी जो सास होगी, हाँ बहू बहुत अच्छा कर रही हो बहू, एकदम राम जैसन बेटा तू दीहा, हाँ बेटी हो गई था, बेटी सीता समान, है ना, छठ पूजा करेगी, ये पूजा करेंगे, वो पूजा करेंगे, अरदास लगाएंगे, गुरुद्वारा जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, मत्था टेकेंगे, सब जगह जाकर के पूजा पाठ करेंगे, अरदास मतलब निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना भगवान से, ठीक है। तो अलग अलग तरह से प्रिकॉशंस दिया जाता है उनको कि ये मत करो, इस तरह का कपड़ा नहीं पहनो, उस तरह का कपड़ा नहीं पहनो, और खास करके उनको बोला जाता है कि ज़्यादा धार्मिक सत्कर्म में ज़्यादा लगो, है ना, गंदा गंदा सोच मत रखो, और जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो घर वाले फोटो लगा देगा बच्चा का, सुंदर सुंदर बच्चा का, है ना, क्यों जितना ज़्यादा उसके ऊपर नज़र पड़ेगा उतना ज़्यादा उस तरह के बारे में सोचेंगे, तो बच्चा भी उसी तरह का होता है, ऐसा मेंटल इफेक्ट पड़ता है, समझ रही बाबू, हाँ समझो, तुम कौन सी समझेगी, छोटी को तुम उतरू है, तुम क्या समझ में आएगा तुमको, ठीक है। आज तुम्हारे यहाँ स्कूल गए थे मिलने तुम्हारे डायरेक्टर सर से, संत जेवियर्स स्कूल में। अब आगे बात करते हैं,
Some of these behaviors will be sensible and useful. Others magical, but they will be increase her sense of security and the conviction that is concluding the pregnancy, not that is concluding her. तो बार बार क्या होता है ना कि जब लेडीज को इस तरह से रिएक्ट किया जाता है, अब सासू माँ देख ली है ना कि बहू रोटी पका रही है, अब रोटी पकाने के लिए तो शहर में ना होता है कि खड़ा स्लेब पर ऐसे ऐसे करके कर रहे हैं, बहुत सारे घर में उस तरह का स्लेब नहीं होता, तो नीचे बैठ के पका रही है, गलती से सासू माँ देख ली कि नीचे एकदम झुक करके बहू रोटी बेल रही है, खूब गरी आएगी, ऐ बुढ़िया मर गई थी, हम मर गए थे बहू, ऐसे बोलेगी, ऐ बहू हम मर गए थे, हमको बोल देती बहू, ठीक है, या बहुत सारा, या हस्बैंड रहते हैं हस्बैंड को साने लग गए, ठीक है, देवर रहता है ना, देवर भाभी का बड़ी ख्याल रखेगा, ऐसा फैमिली में होता है कि जब कोई भी लेडीज प्रेग्नेंट होती है सबके सेंस में अपने आप आ जाता है कि उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान हमको देना है, ठीक है, और लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, अब भाभी जल्दी सिलेंडर उठावे गई, पूरा देवर एकदम गुस्सा आ जाएगा, भौजी ऐसे क्या कर रहे हैं भौजी, हैं ऐसे आप करिएगा, हम है ना उठा देते हैं, हम लोग घर के जेंट्स मर गया है क्या, घर के जेंट्स के ताकत है ना जी, उठा देगा उठा करके, तो देवर लोग ऐसा करेगा, भाई लोग रहेगा अगर चलो भाई मतलब ससुराल में नैहर में है ना, अपने माँ के घर में मायके में है जिसको कहते हैं, तो भाई लोग हेल्प करेगा, बोलेगा कि हम उठा देते हैं दीदी या बहन जो भी हो, तो इस तरह से छोटा छोटा काम नहीं करने दिया जाता है, इवन एगो कटोरा मतलब एक कटोरा पानी नीचे रखा ले पीने का इच्छा है, पानी उठाने के लिए झुक रहे उसमें लोग डांट देता है, तो चार महीना पहले यही होता है, मतलब माँ को भी बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता है, छोटा छोटा बात पर डांट देना, और वो चार महीना पूरा डांट दपट करता है, पूरा हमको लगता है ये जो सास होती है या जो लड़की की माँ होती है ना पूरा बदला ले लेती है, ठीक है ना, बोलती है कि तू जितना हमारा कष्ट नहीं देनी है ना ये दो साल चार साल में, तो अरे चार महीना में बदला पूरा कर लो, खूब डांट देगा है ना, पूरा डांटेगी, कुछ हाबो है ये ना, ये सास रहेगी तो सास क्या सिखाएगी, मैं यही सिखा के भेजल कोहल बहू है ना, अगर घर में अगर मम्मी है तो बोले ससैया ही सिखा बहू वहाँ पर, इस तरह से मतलब सिखाया जाता है, देखो मगधी लोग हैं भाई, हम बिहार के लोग हैं, एकदम उसी तरह से बात कर रहे हैं, ठीक है, ये नहीं कि एकदम ये अलग अलग चीज़, ठीक है, और ये तो बात अलग है, बहुत सारे जगह पर तो क्या होता है कि उसके हस्बैंड तक को सुना दिया जाता है ना, हस्बैंड का दोस्त है या हस्बैंड बूढ़ा बूढ़ा के बीच में जाएगा, अगर हस्बैंड जाएगा तो बोलेगा अरे तो हर जोरू के तू ख्याल नहीं रखता है रे, पूरा इधर उधर आजकल घूम रहा है, सुने तोरे तोरे जोरू मतलब ये क्या कहते हैं गर्भाधान किए हुए हैं है ना, तो जाओ उसका सेवा सत्कार करो, बहुत ज़्यादा काम है, हाँ ऋतिक को जरूर भेजें, ऋतिक अगर आप हैं बाबू, आप हमारे स्टूडेंट हैं और अगर आप वीडियो को देख रहे हैं या मतलब जो भी है, तो आपको मेरे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस है, और भाई मतलब ख्याल रखिए है ना, और ये चैप्टर आप ही लोग के लिए बना हुआ है, ठीक है ना भाई, मतलब मजाक, डोंट टेक इट पर्सनली, लेकिन ऋतिक तू मेरा बेस्ट स्टूडेंट था, एकदम बेस्ट स्टूडेंट है, हमेशा याद रहेगा, ठीक है, टेंशन नहीं लो, चार साल बाद भेज देना यहीं पर, हम पढ़ा देंगे अरे तो कोई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है आई थिंक सो टाइम हो गया है, हम बोले थे कि दो घंटा करेंगे ना मंडे से, अच्छा तो और आगे पढ़ा दें, पढ़ने का इच्छा है कि अगले क्लास में करें, अगले क्लास में करें, क्या कहते हो, बोले पढ़ाने के लिए हम क्या टॉस करेंगे, मेरा तो इच्छा है कि हम खींच दे पूरा आज स्टोरी खींच दे, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा लंबा स्टोरी है, और हाँ सचिन का थोड़ा ज़्यादा छूट जाएगा फिर आई थिंक सो, खैर तो फिर भी कोई बात नहीं है, इसका अगला सीरीज जरूर आएगा, अगला पार्ट वन ये रखो आप लोग, कितने मिनट का हो गया वीडियो, बताओ 34 मिनट का हुआ है, खैर जो भी हो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों लोग है ना, मित्रों भाइयों बंधुओं सखे सहेलियों और मेरे जितने भी विद्यार्थी और विद्यार्थिनियों हैं मतलब छात्र एंड छात्राओं, सभी को निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो सही में पसंद आया, एकदम नॉलेजबल वीडियो है, एकदम फीलिंग से रिलेटेड है, इमोशन से रिलेटेड है, अभी तो इमोशन के ऊपर आए ही नहीं थे, तो अभी तो स्टार्टिंग में मतलब इंजन गर्म ही हो रहा था और इंजन गर्म होते होते तुम लोग ठंडा दिए, बट तो खैर कोई बात नहीं, अभी तो इंजन गर्म हुआ था, इसका पार्ट टू एकदम देखना नहीं छोड़िए, और अगर आपको पार्ट टू चाहिए तो कमेंट करना पड़ेगा, ना कमेंट करिएगा हम ना लाएंगे, हमको क्या क्लास में तो पढ़ाना ही है, हम क्लास में पढ़ा देंगे बिना कमेंट लाए हुए, तो अगर आपको चाहिए पार्ट टू कमेंट कम से कम मारिए, हाँ सर कमेंट है मतलब हाँ सर चाहिए हमको, अच्छा लगा हो वीडियो तो, और आप फास्ट करके स्लो करके जैसे चाहे वीडियो को देख सकते हैं, यूट्यूब तो इतना सारा फैसिलिटी दे रहा है देखने के लिए, शेयर करना मत भूलिए, जहाँ तक हो सके इसको शेयर करिए, और ऋतिक तक जरूर पहुँचना चाहिए ये वीडियो, ऋतिक तक जरूर पहुँचे,
और मतलब जो भी है ऋतिक तो हमको आ जाएगा घर पर आ जाएगा, कहा है सर पूरा बेजती मेरा बढ़ाए हुए, बेजती नहीं है ऋतिक, एकदम कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरा छोटा भाई है ठीक है। अब मिठाइयाँ नहीं लाया जी, तुम मिठाइयाँ भूल गया ऋतिक, तुम मिठाई जरूर लेकर के आइयो है ना। बाकी ऋतिक तुम जरूर वीडियो को देखेगा, और ऋतिक जैसे जितने भी तुम लोग के फ्रेंड्स हैं, तुम लोग के सर्कल में हैं, आप लोग के सर्कल में हैं, आपके दोस्त हैं, दोस्तीनी हैं, सहेली हैं, सहेला हैं, जो भी हैं, भाई हैं, बंधु हैं, सखी हैं, सहेली हैं, मित्र हैं, परिवार में हैं, माता पिता हैं, माता पिता को भी दिखा सकते हैं, माता जी को दिखाओ उनको भी लगेगा, तो देखने के वीडियो देखने के बाद तुम्हारी मम्मी भी तुमको बताना शुरू करेगी, अरे तू रे पुतवा थोड़ा, अरे मेरी बड़ी टेंशन है लोला बड़ा, मम्मी भी बताएगी तुमको है ना, पिताजी को दिखाओ पिताजी भी बताएंगे कि हाँ कितना दर्द तकलीफ उठाए। कहते हैं ना कि तकलीफ तो उनको बहुत थी पर कभी नहीं बताया, प्यार तो तुमसे काफी था पर कभी नहीं जताया है ना। तो ये चीज है, आप लोग जाइए बात करिए दिखलाइए, और जितना ज्यादा दिखलाइएगा और ये सब वीडियो जो है ना देखने में उनको भी आनंद आएगा, उनको ही मजा आएगा ठीक है। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, जहाँ तक हो सके फैलाइए। आज के लिए इतना ही, बाकी के अगले क्लास में कमेंट जरूर करिएगा अगले चीज़ के लिए।